नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज चौगामा की आवाज। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना पुलिस ने कुछ दिन पूर्व 7 साल की बच्ची के साथ अपहरण के बाद बलात्कार के मामले में सनसनीखेज खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 14 फरवरी को बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के खानपुर गांव में एक शादी समारोह के दौरान डीजे पर डांस कर रही 7 साल की बच्ची का एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण करने के बाद बलात्कार करने का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बच्ची का अपहरण करने वाले मुख्य आरोपी को शरण देने वाले 4 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया है। दिनांक 14/2/2024 को थाना बुढ़ाना पर एक पॉक्सो रेप और 363 का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें ये आरोप था कि खानपुर गांव की 6 से 7 साल की लड़की को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा बरात से उठा ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। पहले ये व्यक्ति जो है अज्ञात में था, अब ये व्यक्ति हम आइडेंटिफाई हो चुका है। ये एक नेपाल का रहने वाला मनोहर उर्फ सिंगम है। ये व्यक्ति ये सामने आया है कि एक थाना भोरा कला में गाँव नवाबाद खेड़ी का रहने वाले गौरव और आर्यन इनके यहाँ नौकर था, और ये व्यक्ति जो है अभी फिलहाल ये फरार चल रहा है। पुलिस इसको ढूंढने में पूरा प्रयास कर रही है। आज 4 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की गई है, सुशील की, गौरव की, आर्यन की और सागर की। इन लोगों की गिरफ्तारी इस आधार पे की गई है कि इनको ये मालूम था कि जो लड़की को भगा के लेके आया और जो दुष्कर्म किया है ये इनके नौकर मनोहर ने किया है, पर इनके द्वारा जानबूझकर पुलिस को झूठी जानकारी दी गई, पुलिस के से गलत स्केच बनवाया गया, उसको 2 दिन तक 14 को भी और 15 को अपने और सागर के खेत में छुपा के रखा गया। एविडेंस डिस्ट्रॉय करने में जो उसने अभियुक्त ने जो कपड़े पहने हुए थे क्राइम के समय पे, वो कपड़ों को जलाया गया और 500 रुपये देकर के उसको बाइक पे कई अन्य स्थान पर छोड़ के आया, उसको भगाया गया। तो इनके द्वारा जो है बहुत एक कॉन्स्पिरेसी के तहत और एक आपराधिक मानसिकता के साथ एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया गया, पुलिस को झूठ बोला गया, जो इनका पॉक्सो में दायित्व बनता है कि केस को रिपोर्ट करना और अभियुक्त के बारे में जानकारी देना, उसको छुपाया गया और अभियुक्त को सब चीज़ जानते हुए 2 दिन तक अपने खेत में अपने ट्यूबवेल पर छुपा के रखा, उसके कपड़े चेंज किए, उसके पुराने कपड़े जलाए और पुलिस को लगातार ये 2 दिन तक हमारे साथ घूम के गुमराह करते रहे। हमारे साथ इन्होंने CCTV फुटेज देखी, शादी के बारात की वीडियो देखी, यहाँ तक कि इन्होंने एक मैलाफाइड इंटेंशन के साथ पुलिस को एक झूठा स्केच भी बनवाया ताकि पुलिस गलत आदमी को ढूंढता रहे और सही अभियुक्त जो है बच जाए। सर, इस खुलासे के बाद समाज का संदेश एकदम क्लियर है कि कुछ जो ये अपराध, इतना घोर अपराध है ये कि 6 साल की बच्ची को उठाकर ले जाना और उसके साथ दुष्कर्म करना, इससे कोई बड़ा, इससे कोई अपराध नहीं हो सकता, इससे कोई विकृत मानसिकता नहीं हो सकती। और ऐसे अपराधी को जब इनको पता लग गया था कि इसने ये अपराध किया, इनको तुरंत पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था, वो ना करके बल्कि उस अपराधी को छुपाना और ना ही केवल छुपाना, उसको 2 दिन तक अपने खेत में रखना, उसके कपड़े जला देना, उसको 500 रुपये देकर भगा देना और पुलिस को झूठी जानकारी देते हुए लगातार गुमराह करना, ये एकदम आपराधिक कृत्य है। और इसमें मैसेज एकदम क्लियर है कि पुलिस जो है मेन अभियुक्त को तो ढूंढेगी, उसको तो सजा करवाएगी, पर अभियुक्त का साथ देने वाला, अभियुक्त को शरण देने में और झूठा पुलिस को गुमराह करने में भी हम पूरी कठोर विधिक कार्रवाई करेंगे। सर, पहले भी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किस तरह का, इस तरह इस तरीके का कोई मुकदमा इनके दर्ज नहीं।